वेलकम बैक गाइस, कैसे हुआ आप सब लोग। जब आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे इलेक्शन 2024 की इलेक्शन के चार फेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब लास्ट के तीन फेजेस बाकी है। बट दोस्तों, जब इलेक्शन ये चल रहा है, इसके दौरान मार्केट काफ़ी ज़्यादा अलग से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मार्केट के अंदर लोगों के मन में एक फियर आ चुका है। काफ़ी लोग अभी डर चुके कि बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक दिन काफ़ी नीचे जा रहा है, एक दिन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आ रहा है। तो लोगों को अभी ये लग रहा है कि क्या हमें पोजिशन हमारी क्लियर करनी चाहिए, क्या हमारे स्टॉक्स को जो होल्डिंग है हमारे बेच के निकल जाना चाहिए, क्या आगे होने वाला है, इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है, अभी जो फ्यूचर क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। अब हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे बिकॉज अमित शाह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि 4 जून यानी कि जो इलेक्शन का रिजल्ट डे है उसके पहले पहले आप जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो चाहे आप खरीद लो, उसके बाद जो है मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है, यानी कि रिकॉर्ड हाई को टच करने वाला है। तो सिंपली ये क्या स्टेटमेंट है, क्या सच में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो डेटा है हम लोग जो है पूरा जज करने वाले, कंपेयर करने वाले और अलग अलग टूल्स को यूज़ करने वाले और पता लगाएं कि इस बार 2024 के इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। एंड दोस्तों, और मैटर्स फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे कि अगर इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के ज़्यादा सीट्स आएंगे तो फिर क्या होगा, अगर न्यूट्रल सीट्स आएंगे तो क्या होगा, और बीजेपी हारेगी तो फिर क्या हो सकता है। तो चलिए यार, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि यार मार्केट के अंदर ये जो वोलेटिलिटी है क्या ये नॉर्मल है, क्या फिर हमें जो डरना चाहिए इस वोलेटिलिटी से, क्या हमें जो हमारे होल्डिंग्स को बेचना चाहिए। सिंपली हम लोग देख लेते कि हर इलेक्शन के दौरान कि क्या मार्केट वैसे रिएक्ट करता है। तो पिछले कुछ इलेक्शंस का डेटा हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सर्वे किया गया था। सो सिंपली निफ्टी विक्स यानी कि दैट इज़ निफ्टी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है एक महीने पहले यानी कि 23 अप्रैल को ये 10 के आसपास था, अब जो है बढ़ के जो वोलेटिलिटी जो है 20 के आसपास आ चुकी है। यानी कि क्लियरली है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या है नॉर्मल है तो वो हम लोग कंपेयर करेंगे। ये डेटा है प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन का। रिजल्ट डे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये येलो लाइन से डिनोट किया गया है। सो ये बेसिकली येलो लाइन डिनोट करती है कि इलेक्शन डे रिजल्ट डे। तो सिंपली इसके पहले आप देख लो 2009, 2014, 2019 का डेटा कि कैसे मार्केट के अंदर एक स्पाइक थी, वोलेटिलिटी थी, एंड जैसे येलो लाइन की क्रॉस होती है यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद कैसे मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो जो है नीचे चली जाती है, काफ़ी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो सिंपली ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, इलेक्शन के पहले इनफैक्ट मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है बिकॉज काफ़ी दोनों पार्टीज अपने अपने सीट्स बता रही होती, तो इसलिए वोलेटिलिटी काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। ओके, एंड इलेक्शन के बाद ये वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, इलेक्शन के बाद ये जो है वोलेटिलिटी जैसे यहाँ पर हुई थी वैसे ही वोलेटिलिटी जो है 2024 के इलेक्शन के बाद जो है स्टेबलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डरने की चीज़ नहीं, पहली बात तो ये एक रीज़न था इलेक्शन का। एंड दोस्तों, एक और एक रीज़न है, पहले लोगों को लग रहा था, जो ट्रेडर कम्युनिटी उनको लग रहा था, इन्वेस्टर कम्युनिटी उनको लग रहा था कि बीजेपी क्लियरली जीतेगी। बट जैसे जैसे इलेक्शन हो रहे तो समझ में आ रहा है कि ये जो विक्ट्री है बीजेपी के लिए इतनी ईजी नहीं होने वाली। तो ये भी एक रीज़न है कि मई के अंदर जो हमें करेक्शन देखने मिला है तो वो जो इसी का नतीजा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो झिझक है अभी कितने सीट्स आएंगी उसको लेकर बीजेपी के, तो इसीलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ हमें देखने मिल रहा है। अब गाइस, पिछले 20 साल के अंदर वीडियो को शुरुआत करते हैं अमित शाह का उस स्टेटमेंट को लेकर हम लोग, बिकॉज अमित शाह ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। तो क्या पिछले 20 साल के इलेक्शंस को देखते हुए हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या सच में हर इलेक्शन के बाद मार्केट के अंदर हमें रैली देखने मिले, या फिर ये जो है गलत डेटा है। और अलग अलग टूल्स को भी इस्तेमाल करेंगे कि क्यों उस वक्त रैली हुई थी और क्यों इस वक्त रैली हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये भी जज करेंगे, ये भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सिंपली दोस्तों हम जो जाएंगे हमारे चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, वीकली कैंडल यहाँ पर आपको नजर आती हुई दिख रही है। तो सिंपली हम लोग जाएंगे सबसे 20 साल पहले की इलेक्शन यानी कि 2004 की इलेक्शन हमारी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 2004 का इलेक्शन का डेटा मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2004 का इलेक्शन का डेटा है वीकली कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन से पहले हर इलेक्शन के ईयर में जो अप्रैल मई के दौरान जो हमारा इलेक्शन होता है और जून के आसपास मई एंड के आसपास जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट होता है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो इलेक्शन से पहले यानी कि अप्रैल से पहले मार्केट नीचे गिरा था 2004 में, ऑलमोस्ट 27% तक मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद एक बॉटम बनाया एंड इलेक्शन का रिजल्ट हुआ जैसे अनाउंस हुआ, उसके बाद मार्केट ने
वी शेप रिकवरी हमें देखने मिली अगले कुछ महीनों तक। तो काफ़ी क्लियरली 50% तक मार्केट ऊपर चला गया बॉटम से। तो क्लियरली हमें देखने मिलता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर जो 2004 के मार्केट ऊपर गया, बट उस वक्त और डेटा क्या कह रहे थे ये भी देख लेते, यानी कि हम लोग वैसे ही उसी के हिसाब से हम लोग जो 2024 का भी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। एक होता है दोस्तों निफ्टी पी, यानी कि निफ्टी का उस वक्त निफ्टी ओवर वैल्यूड था या फिर अंडर वैल्यूड था। सिंपली ये चार्ट यहाँ पर आप देख लो, निफ्टी का पी रेशो चार्ट, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सिंपली यहाँ पर आप देख लो ये निफ्टी मीटर है, सिंपली अगर ये 21.8% से नीचे है निफ्टी का पी रेशो तो सिंपली ये दर्शाता है कि निफ्टी जो है अंडर वैल्यू है, यानी कि और ऊपर जाने का स्कोप है। और अगर ये जो 23 से लेकर 36 तक है तो ये जो मॉडरेटली फेयर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो फिर ये दर्शाता है कि मार्केट गिर सकता है इवन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो 2004 में मई के महीने में जो इलेक्शन का टाइम था, तो उस वक्त जो निफ्टी का पी रेशो था 14.86, जो कि 21 point something से काफ़ी नीचे था, यानी कि अंडर वैल्यूड था काफ़ी मार्केट। तो उस वक्त स्कोप था ऊपर जाने का मार्केट के लिए। एंड दोस्तों और एक इंडिकेटर हम लोग जज करेंगे जो कि है बफेट इंडिकेटर, काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है बफेट, वॉरेन बफेट आप सबको पता है। तो ये सिंपली इसका फॉर्मूला है कि टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल GDP। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आप देख लो ये चार्ट यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। अब हर साल ईयर वाइज यहाँ पर जो है इसका रेशो हमें देखने मिल रहा है। तो सिंपली अगर ये जो बफेट इंडिकेटर 64% के आसपास है या फिर उससे नीचे, तो या स्टॉक या फिर जो निफ्टी अंडर वैल्यू कहलाता है। 64 से लेकर 82% मॉडरेटली अंडर वैल्यूड एंड फेयर वैल्यूड, ये सारा चीज़ें आपको दिख रही है। ओके, अब 2004 में देख लेते, सिंपली ये था 43 something के पास, यहाँ पर देख लो तो 43 यानी कि जो है 64 से काफ़ी नीचे। तो ये कह रहा है बफेट इंडिकेटर कि निफ्टी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था। तो डेफिनेटली दोनों हमारे जो फॉर्मूलाज बता रहे कि 2004 में निफ्टी इलेक्शन के वक्त काफ़ी अंडर वैल्यूड था, तो इसीलिए मार्केट के बाद स्कोप था तो एक बड़ी रैली हमें देखने मिली। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे 2009 के इलेक्शन को। तो ये रहा आपके सामने 2009 का डेटा। इलेक्शन के अप्रैल के महीने के पहले कुछ महीने मार्केट लगातार नीचे गिरा था, यहाँ पर देख लो, उसके बाद यू शेप रिकवरी अप्रैल के बाद, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए धीरे धीरे मार्केट जो है अप्रैल के बाद जो क्लियरली मार्केट ऊपर जाने लगा। तो उस वक्त क्या था निफ्टी का पी रेशो, सिंपली हम लोग ये देख लेते हैं। 2009 का यहाँ पर अगर आप देखा डेटा देखो तो मई के महीने में था निफ्टी का पी रेशो 18.67%, जो कि अंडर वैल्यूड था अगेन। सो ये अंडर वैल्यूड था। एंड अगर 2009 में ये देखो, 2009 मई जून के महीने में अगर आप देखो अप्रैल के पास 2009 में, तो ये था समथिंग 79% के पास। ओके, ये जो कि आपको बता रहा है कि मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड ही था। तो 2009 में दोनों इंडिकेटर हमें बता रहे कि मार्केट अंडर वैल्यूड था, एंड उसके बाद अगेन इलेक्शन के बाद मार्केट ने अगेन एक अच्छी रैली देखने मिली। ओके, उसके बाद हमारा इलेक्शन आता है 2014 का, ये काफ़ी पॉपुलर इलेक्शन था, मोदी की वेव थी एंड मोदी इलेक्ट होके आए, काफ़ी बड़ी इंडिया का जीत हुई यहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले 2000 इलेक्शन का अप्रैल महीने से पहले कुछ महीने तक यहाँ पर जो धीरे धीरे स्लाइटली साइडवेज में मार्केट था, ऊपर जा रहा था थोड़ा थोड़ा, और जैसे अप्रैल आया, देखो मई अप्रैल उसके बाद जैसे इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ मार्केट के अंदर, BJP विन हुई एंड उसके बाद मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। एंड यहाँ पर देखो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बना, एक वी शेप ऑलमोस्ट एक स्टीप रिकवरी यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर आप एक रैली बड़ी आई 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो 2014 में सिंपली अगर आप देखो तो निफ्टी का पी रेशो था मई में 19.62, जो कि अगेन अंडर वैल्यूड था हमारे मीटर के हिसाब से। तो बफेट इंडिकेटर भी अगर आप देखो 2014 मई के आसपास ये था 81 के आसपास, जो कि अगेन मॉडरेस्टली अंडर वैल्यूड ही दर्शाता है। सो अगेन अंडर वैल्यूड था एंड उसके बाद इलेक्शन के बाद सेम रिजल्ट हमें देखने मिला, एक रैली हमें देखने मिली। उसके बाद हमारा इलेक्शन आता है 2019 का, यहाँ पर दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शन था हमारे लिए एज अ ट्रेडर, यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है। 2019 यहाँ पर आप देखो अप्रैल में, एंड जैसे इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए मई के आसपास, उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने मिल रही है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इलेक्शन के अंदर BJP विन होगा ऐसा लग रहा था और वैसे ही हुआ। मार्केट के अंदर BJP काफ़ी अच्छी पोजीशन के साथ, अच्छी सीटों के साथ जीती, फिर भी मार्केट ने निगेटिवली स्लाइटली रिएक्ट किया। तो उस वक्त क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगेन ये जो क्रैश है ये तो कोरोना का क्रैश। ओके,
तो उस वक्त 2019 में यहाँ पर अगर आप देखो निफ्टी का पी रेशो मई के महीने के अंदर 28.88%, दोस्तों ये काफ़ी ओवरवैल्यूड था उस वक्त निफ्टी। तो यहाँ पर देखो ये 28 यानी कि यहाँ पर कहीं पे था रेड, मीटर में रेड दिखा रहा है, यानी कि निफ्टी उस वक्त ओवरवैल्यूड था। तो डेफिनेटली इलेक्शन हो या फिर ना हो, निफ्टी का मतलब करंट सिचुएशन क्या है, ओवरवैल्यूड होगा तो इलेक्शन के बाद मार्केट नीचे गिरेगा। तो 2019 में मार्केट नीचे गिरा बिकॉज मार्केट ओवरवैल्यूड था इलेक्शन, इवन आफ्टर इलेक्शन। सो बफेट इंडिकेटर यहाँ पर आप देखो तो ये हमें कह रहा 2019 में के आसपास 89-90% के आसपास था, जो कि है फेयरली वैल्यूड कैटेगरी के अंदर, राइट। तो ये फेयरली वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड नहीं बता रहा है बफेट इंडिकेटर, एंड निफ्टी का पी बता रहा है कि ये ओवर वैल्यूड था। तो ये दोनों चीज़ें नियरली यहाँ पर ये बता रहे कि मार्केट या तो वैल्यूड था या फिर ओवर वैल्यूड था। तो इसी के लिए निफ्टी यहाँ पर जो यहाँ पर निगेटिवली रिएक्ट किया, इवन आफ्टर इलेक्शन के रिजल्ट जो चाह रहे थे वही हुआ। फिर भी तो मार्केट का वैल्यू क्या कह रहा है उस वक्त वो भी मैटर करता है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा आता है 2024 का प्यारा इलेक्शन। इस वक्त हम लोग आशंकाएं जताई जा रही थी कि यार बीजेपी अगेन एक बड़ी सीटों के साथ जीत के आएंगी, और मई के महीने के आसपास वही लग रहा था। बट अभी थोड़ा सा हवा बदल चुकी है, बट आई डोंट नो कि अभी क्या होने वाला, और मैं वो प्रिडिक्शन करना भी नहीं चाह रहा। बट अभी थोड़ा सा ये बीजेपी के लिए इजी विन नहीं होने वाला है। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर करेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो पिछले कुछ महीनों से, यानी कि अभी ये महीना चल रहा है, यहाँ पर करंट निफ्टी चल रहा है 22,300 के आसपास। पिछले की काफ़ी महीनों से मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, निफ्टी काफ़ी ऊपर जा रहा है। एंड तो अभी हम लोग देख लेते कि निफ्टी का पी रेशो क्या कह रहा है, क्या ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो 2024 का यहाँ पर ये लास्ट यानी कि मई का महीना अगर आप देखो तो 21.17 का निफ्टी का पी है, जो कि हमें बता रहा है कि डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड के आसपास है। ओके, तो यहाँ पर बफेट इंडिकेटर अगर आप देखो 2024 मई का, तो ये थे 97% के आसपास, यानी कि अगर आप नीचे चार्ट में देखो तो ये 100 के नीचे, यानी कि फेयरली वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सो ये 100 के थोड़ा सा पास ही है, अगर ऊपर जाता तो ओवर वैल्यूड था, बट ये फेयरली वैल्यूड के आसपास बफेट इंडिकेटर बता रहे हैं, और निफ्टी का पीए रेशो बता रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों अगर 2024 की प्रिडिक्शन की बात करें, इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है, तो मार्केट फेयरली या फिर अंडर वैल्यूड ही है। तो डेफिनेटली मार्केट को और ऊपर जाने का स्कोप है। तो इलेक्शन के बाद यानी कि इलेक्शन के अंदर बीजेपी अगर जीतेगी अच्छी सीट से, तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है, उसके लिए स्कोप है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एंड अगर न्यूट्रल यानी कि सीट्स थोड़े कम आते पिछली बार के हिसाब से, तो यार मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल रिएक्ट कर सकता है। एंड और एक चीज़ है, अगर बीजेपी हारती है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो 5-10% का क्रैश देखने मिल सकता है, बट उसके बाद वो रिकवर हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि नई सरकार आएगी, नई पॉलिसीज बनाएंगी, एंड मार्केट जो रिकवर करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट, ये वीडियो के अंदर जो हमने सारी चीज़ें कवर किए। आई होप कि आपको ये जो पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी बहुत सारी डिटेल वीडियो के लिए। एंड दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर किसकी जीत होने वाली, बीजेपी या फिर कांग्रेस, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय।